सो ना ना so, आज कल हम मेडिकल बिल के बारे में डिस्कस किए थे राइट ये मेडिकल बिल आज हम बनाएंगे ओके हेलो म्यूट प्लीज ओके तीसरे बिल के बारे में बता रहे हैं ना जैसे कार पार्किंग हो गया इनवाइस हो गया और हॉस्पिटल नेम हो रहा है या, यस या, आज हॉस्पिटल नेम हो रहा है उसके बाद कल हम क्या करेंगे ये आधार कार्ड में रिक्वेस्ट फॉर्म बोल के एक आता ओके ये रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे ये रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है उसका डिस्कस करेंगे डिस्कस करने के बाद परसों हम ये बिल बनाएंगे ओके ओके सर यस एंड ये डिस्कस करने के टाइम हम ये एक एक चीज ए पासपोर्ट क्या है पोस्ट ऑफिस अकाउंट क्या है रेशन कार्ड क्या है ड्राइविंग लाइसेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये सब यहाँ पे ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव जो आइटम्स बोले थे राइट उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एक एक मोस्ट ऑफ दी चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे ओके okay, इसमें कुछ मेरे को ही नहीं मालूम वो देख लेता हूँ मैं ओके okay. रिमेनिंग <coughs> सब चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ एक 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 थर्टी फाइव जो भी है ना सो so, आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ आप जब भी आ, ये पर्टिकुलर काम पे आप को मौका मिले करने का तब आपको पता चल जाएगा ये वोटर आईडी क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस क्या बोलते हैं पासपोर्ट क्या है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट क्या है ओके एक एक हम डिस्कस कर लेंगे कल का क्लास में कल और परसों भी लग जाएगा दो दिन लग जाएगा सब डिस्कस करने के लिए उसके बाद उसका बिल प्रिपेयर करेंगे ओके उससे पहले आज का क्लास में आज का क्लास में हम ये मेडिकल बिल जो भी है ना ये बिल डिस्कस कर लेंगे कल हम डिस्कस किए थे राइट हॉस्पिटल नेम हॉस्पिटल का स्लोगन एड्रेस आप लोग कुछ हॉस्पिटल का स्लोगन देखा क्या यस yes, हॉस्पिटल का स्लोगन सर ये देखिए ये अगर आप देखें तो ये अपोलो हॉस्पिटल्स का ओके okay, अपोलो हॉस्पिटल्स ये अपोलो हॉस्पिटल का है हेलो देखिए अगर सॉरी हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है ओके ओके ठीक है देखिए ये स्लोगन स्लोगन का मतलब क्या है ना देखिए ये इंटरनेशनल इंटरनेशनल पेशेंट केयर ये इंटरनेशनल पेशेंट केयर के लिए वो लोग क्या बोल रहे ब्रिंगिंग हेल्थ केयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विद इन द रीच ऑफ एवरी इंडिविजुअल ये जो डबल कोटेशन में दिए थे राइट ये इंटरनेशनल पेशेंट्स को ये हम स्लोगन बोल सकते वही वही एक्चुअली वही एक्चुअली अपोलो हम चूज करना चाह रहे हैं ओके okay. वैसे ही एक एक डिवीजन के लिए एक एक स्लोगन होगा वैसे ही आपका हॉस्पिटल ही नहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का उत्तर प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या स्लोगन है देखिये उत्तर प्रदेश यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन किए तो ही वेलकम द एसेंस ऑफ इंक्रेडिबल इंडिया उत्तर प्रदेश द मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट देखिए एसेंस ऑफ इंक्रेडिबल इंडिया द मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया एक्सपीरियंस द रिच कल्चरल देखिए देखिये का अगर आप ओपन किए तो ये जो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे राइट आप हम सब इसको स्लोगन बोल सकते आपका आपका राज्य का ये नारा भी बोल सकते ओके एक्सपीरियंस द रिच कल्चर फ्लोरा एंड फना ऑफ उत्तर प्रदेश वेलकम टू उत्तर प्रदेश देंस ऑफ इंक्रेडिबल इंडिया देखिये यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे रोड का यहाँ पे रेल का रेल का निर्माण करके द मोस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ये क्यों बोल रहा है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बोल के ये यहाँ पे रेल का रोड का दैनिक यहाँ पे रेल का नदी का ये क्यों ये इमेज पे लिया है क्योंकि अगर कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहे तो वहां पे जरूरी चीज क्या है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते राइट इंफ्रास्ट्रक्चर रोड अच्छा रहना देन नेक्स्ट नेक्स्ट एक जगह से एक जगह जाने के लिए कम्यूटेशन इजीली रहना एयरपोर्ट्स रहना रेलवेस रहना वो सब रहे तो जो भी पैसा uh, जो भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो ओके okay, ठीक है मेरे को यहाँ पे सब फैसिलिटीज है मेरे को जगह है एंड गवर्नमेंट जगह भी प्रोवाइड कर रहे हैं है, बोल के uh, बोल के कंपनीज वहां पे आते इसीलिए उत्तर प्रदेश द मोस्ट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया बोल के ये सब इमेजेस दि दिया था ओके okay? देखिए यहाँ पे वेलकम टू उत्तर प्रदेश द सेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इनक्रेडिबल इंडिया बोल के यहाँ पे देखिए ये उत्तर प्रदेश क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे को राम का अयोध्या है यहाँ पे ताजमहल है यहाँ पे ये कौन सा मंदिर है ये काशी काशी भी कहीं पे होगा काशी है एंड मदुरा है ये सब जगह आपको आ, आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा सो so, उत्तर प्रदेश भारत का एक आ, एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट वैसा दिखा रहा है यहाँ पे वैसा ही आप <coughs> देखिए ये सब डिफरेंट डिफरेंट नारा है देखिए वुमेन एम्पावरमेंट अभी यहाँ पे आप आ, ये मेरा देखिए देखिए आप यही कैटेगरी में आ रहे हैं अभी कौन सा कैटेगरी ये कैटेगरी में आ रहे हैं आप लोग राइट देखिए ए कैटेगरी में आ रहे हैं अभी आप लोग <clears throat> यहाँ पे आप लोग पढ़ाई करके राइट right, पढ़ाई करके जॉब ढूंढने के लिए ये यहाँ पे कंप्यूटर देखे वुमेन को भी हम कंप्यूटर सिखा रहे बोल के वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम नहीं तो यहाँ पे कल्चरल ये फॉरेस्ट का नहीं तो यहाँ पे फार्मिंग का यहाँ पे यहाँ पे ये यह पॉट्स पॉट्स है The next. And यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में आवला। ah, yes. Yes. ये इसका सो so फार्मिंग का अपरचुनिटी एंड एंड मैंने स्लोगन स्लोगन बोल के बोल रहा हूँ राइट ये स्लोगन के लिए अगर आप आपका स्टेट का ये देखे तो यहाँ पे देखे ऑन टॉप ऑन टॉप अगर देखे तो आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नई उड़ान नई पहचान मैंने स्लोगन बोला था राइट ये नई उड़ान नहीं, नहीं पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वैसा स्लोगन्स हर हर हॉस्पिटल के लिए आपका स्टेट का दिखाया था राइट वैसे ही हर हॉस्पिटल के लिए नहीं तो हर कंपनी के लिए उनका खुद का स्लोगन रहते हैं ओके okay, आप जो भी काम कर रहे हो आप वो कंपनी के बारे में नहीं तो कुछ बिल बना रहे हो किसी कंपनी का वो कंपनी का स्लोगन भी आप आप पहचाने की कोशिश कर लीजिए समझ गया व्हाट एक्चुअली स्लोगन मैं रिफर कर रहा हूँ स्लोगन बोले तो नारा भी बोल सकते ये आपका उत्तर प्रदेश का नारा है नई उड़ान नई पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आओ, आओ आओ आप लोग उत्तर प्रदेश में इतना डेवलपमेंट हो गया आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट करो बोल के जो भी इन्वेस्टर्स है ना वो बाहर वाले हो सकते हैं नहीं तो अंदर अंदर ही टीसीएस वाले नहीं तो अंबानी अदानी इन सब को गवर्नमेंट ने ओपन ऑफर दे रहा है आके इन्वेस्ट करो पहला उत्तर प्रदेश जैसा अभी उत्तर प्रदेश नहीं है अभी हमारा डेवलपमेंट हमारा पूरा फोकस ऑन डेवलपमेंट पे ही है सो so डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए मेरे तरह से मैं कर लेता हूँ बोल के ये इमेज से आपका योगी जी पूरा दुनिया को बता रहा आओ आके इन्वेस्ट कर दो समझ गया yes, sir. Yes, sir. <laughs> वैसे ही आप अभी मैंने ये अपोलो हॉस्पिटल का दिखाया था राइट अपोलो हॉस्पिटल का भी वैसे ही है ही एक नारा है हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक नारा है उन लोगों के देखिए ब्रिंगिंग हेल्थ केयर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स स्लोगन है ना सर हाँ स्लोगन स्लोगन नारा दोनों भी सेम है स्लोगन मिशन इसको मिशन भी बोल सकते कंपनी का मिशन बोल सकते कंपनी का कंपनी का ये नारा भी बोल सकते स्लोगन भी बोल सकते ओके okay? सो so, आप आ, कुछ और हॉस्पिटल्स नहीं तो कुछ और उत्तर प्रदेश का ऐसा है वैसे ही आपको उत्तरांचल गए तो क्या है नहीं तो पूरा इंडिया का भारत का नारा क्या है आप, आ, आप जाने की कोशिश कर लीजिए ठीक है अभी हम ये हॉस्पिटल को आ जाएंगे हॉस्पिटल नेम एंड उसका स्लोगन पहले एम एस वर्ड एमएस वर्ड मैंने ओपन किया पहला पहला स्टेप क्या है हॉस्पिटल पूरा हाँ पूरा बिल में एक 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 टेबल लेंगे एक इंसर्ट टेबल लेंगे पहले वो इंसर्ट टेबल पे हम अदर टेबल्स भी जहां पे भी जरूरत है वहां पे टेबल नेम इंसर्ट करेंगे देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल नेम ओके ये हॉस्पिटल नेम हो गया हॉस्पिटल नेम के बाद हॉस्पिटल नेम कुछ डिफरेंट साइज पे है उसका इंक्रीज साइज कुछ ऐसा इंक्रीज कर देंगे एंड कंट्रोल भी कंट्रोल भी बोल्ड कर दिया उसके बाद हॉस्पिटल का स्लोगन इसका इसका हम साइज डिक्रीज कर सकते छोटा सा देन नेक्स्ट आएगा आपका एड्रेस एड्रेस कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट अगर हमको ये अपोलो अपोलो के ही देखेंगे ये अपोलो का कांटेक्ट एड्रेस क्या है आप अगर देखे तो के थोड़ा लोग क्या जी स्लोगन तो के बारे में थोड़ा सा आप जो बोल रहे हो वो मेरे को कुछ सुना ही नहीं दे रहा आप टाइप कर सकते हो प्लीज वो बोल रही है सर का का। स्लोगन के विषय में उनको क्लियर करके बता दीजिए स्लोगन का स्लोगन बोले तो नारा मैं अभी दिखाया था राइट आपका उत्तर प्रदेश का वेबसाइट ही के Mm -hmm. ये उत्तर प्रदेश का वेबसाइट अगर देखे तो ये उत्तर प्रदेश हर एक कंपनी जो भी है राइट right? उनका पहचान के लिए एक स्लोगन आप आप अगर रामगोपाल रामगोपाल मेरा नाम है रामगोपाल बोले तो रामगोपाल एक्सपर्टाइज इन इन डेटा एनालिसिस एंड एक्सपर्टाइज इन तेलुगू इंग्लिश हिंदी वैसा मेरा मेरा पहचान के लिए एक स्लोगन एक मैं रखता हूँ वैसे ही हर एक कंपनी उनका मोट उनका मोटो और मिशन के हिसाब से एक स्लोगन रखते हैं ओके वो स्लोगन ही मैंने आपको उत्तर प्रदेश का भी दिखाया था यहाँ पे अगर आप देखे तो, अगर आप आप देखे तो तो नई उड़ान नई पहचान ये उत्तर प्रदेश का अभी नय, है. नया गवर्नमेंट का स्लोगन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यही नई उड़ान नई पहचान वैसा उत्तर प्रदेश को अपने आप को अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए हर कंपनी नहीं तो हर गवर्नमेंट एक आ, आ, एक यूनिक यु, स्लोगन नहीं तो यूनिक पहचान भी बोल सकते एक पहचान न, कुछ वर्ड्स में वो पहचान करने के लिए दिखाते इंडिया बोले तो इंडिया इंडिया बोले तो हम कंट्री नेम इंडिया इंडिया बोलते हैं बट भारत भारत दिवारे 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 बोलते राइट हम सो भारत इस आ, इंडिया का पहचान इंडिया का पहचान ही भारत है, आप कहीं पे भी जाओ भारत बोले तो इंडिया नहीं तो भारत बोले तो कल्चर भारत बोले तो, भारत बोले तो भारत बोले तो नॉलेज भारत बोले तो फ्रेंडलीनेस भारत ये सब इंडिया के लिए एक यूनिक यूनिक पहचान राइट है सही आ, वैसे ही हर राष्ट्र का नहीं तो हर आ, हर कंपनी जो भी एस्टेब्लिश करते राइट वो जब भी कंपनी एस्टैब्लिश करने टाइम ही उनका डिफरेंट पहचान आ, पहचान से आते हैं एक्चुअली ओके आप अगर टीसीएस टीसीएस का कंपनी देखे तो किस क्या है कि, कि, किसी को नींद भी आ रहा है वो भी मेरे को सुनाई दे रहा है क्या कर रहे हैं? आप लोग मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ आप म्यूट से आके भी नींद सो सोने की कोशिश कर रहे हैं देखिए टीसीएस का अगर लिया तो टीसीएस अबाउट अस टीसीएस का अबाउट अस बोले तो बिल्डिंग ऑन बिलीफ देखिए ये टीसीएस का नारा है बिल्डिंग ऑन बिलीफ बिलीफ के ऊपर ही हम अपने आप को हम बिल्ड करते हैं ओके वही आपका यूपी का दिखाया था राइट वैसा ये ये टीसीएस का टीसीएस का है वैसे ही आप आपका अंबानी का सर जैसे डिटर्जेंट पाउडर का पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए सर उसका भी नारा है। क्या जी सर जैसे वो जो डिटर्जेंट पाउडर है उसका भी एक नारा है पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए हाँ यस वैसे ही कोको कोला -को का निर्मा का निर्मा का बहुत पहले से अगर निर्मा का एडवर्टाइजमेंट देखे तो निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा बोल के एक आते है राइट वही उसका पहचान है अभी भी अभी भी अगर आप आप देखे तो निर्मा एडवर्टाइजमेंट बोले तो एक एक छोटी सी बच्ची वो ऐसे घूमते घूमते एक एक फोटो जैसा आएगा निर्मा निर्मा वॉशिंग पाउडर पे यस सर हाँ वही उसका पहचान है।, है स्लोगन है पहचान है, नारा है। नारा। नारा। क्या जी हम अगेन हमारा इसपे इसपे चले जाएंगे हाँ देखिये कोई अच्छा सा ये ये जब आ, हमारा आ, श, कौन लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था स्लोगन जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान का नारा आ, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था वैसे ही अगर आप दूसरा दूसरा प्राइम मिनिस्टर का देखे तो दूसरा नारा रह, रह जाते हैं ओके okay. सो so, ये हॉस्पिटल नेम ये बिल आ गया एंड उसका एड्रेस इंफॉर्मेशन एक मिनट यस जी नेक्स्ट क्या चाहिए हमको इस पे एड्रेस कांटेक्ट इंफॉर्मेशन वेबसाइट ये ऑल द टाइम ये फिक्सड ही रहता क्योंकि कंपनी का एड्रेस है रेट ये फिक्सड ही रहता है एड्रेस कांटेक्ट इंफॉर्मेशन वेबसाइट डिटेल्स सो हम ये जो भी वेबसाइट है ना वहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर हम अपोला का अपोला का लिया तो अपोलो का कहां पे देखिये ये अपोलो ये का अपोलो का वेबसाइट डिटेल्स आपको चाहिए बोले तो इसको यहाँ पे हॉस्पिटल नेम भी हम अपोलो हॉस्पिटल्स बोल के लिख देंगे इस पे अपोलो अपोलो हॉस्पिटल्स अपोलो हॉस्पिटल्स एंड इसका इसका वेबसाइट डिटेल्स ये है वेबसाइट डिटेल्स ओके okay, वेबसाइट डिटेल्स आ गया हमारा एंड क्या क्या चाहिए एड्रेस भी चाहिए एड्रेस कहीं पे है क्या उनका एड्रेस कहीं पे भी एस एड्रेस का क्योंकि इन लोगों का तो हर जगह पे है राइट इसीलिए पूरा एड्रेस डिटेल्स नहीं दिया था सो so, हम यहाँ पे एड्रेस पे हम उत्तर प्रदेश में है क्या पारागा था। पारागा था। पारागा था। पारागा था। नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आती है लोग म्यूट म्यूट डाल करने के बाद भी म्यूट डाल करने, करने के बाद भी किसी का आवाज झगड़ा करने के आवाज आ रहा मेरे को कौन किससे झगड़ा कर रहा मेरे को पता नहीं आवाज आ रही है आप लोग आप लोग खामोश रही है प्लीज प्लीज काम अदरवाइज ना अदरवाइज मेरा आवाज किसी को सुनाई नहीं देता क्लास के बाद आप आप आपका जो भी फ्रेंड है रेट उससे आप झगड़ा कर लीजिए बट नॉट ड्यूरिंग द क्लास देखिए कुछ लखनऊ में हॉस्पिटल है देखिए ये हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल का फोन नंबर यहाँ पे ये डिटेल्स दिया गया है ये डिटेल जो भी है राइट ये यह यहाँ पे मैं एड्रेस के प्लेस पे कॉपी कर ले रहा हूँ सो so एड्रेस ये जो भी है ना ये फिक्सड है ये फोन नंबर फोन नंबर देन नेक्स्ट यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश भी निकाल दे रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश फोन नंबर आ गया मेरे को ये एड्रेस आ गया ओके okay. okay, अभी अभी लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड ये एड्रेस है एक्चुअली एड्रेस भी हमारा हो गया एड्रेस के बाद हम हमको क्या करना नेक्स्ट पेशेंट नेम एड्रेस पेशेंट नेम एड्रेस एंड पेशेंट का डिटेल्स सो so, मैं क्या करता हूँ ये और एक और एक ये लेता हूँ और एक टेबल लेता हूँ मैं ओके okay, टेबल में टू कॉलम्स लेता हूँ टू कॉलम्स फोर रोस एंड टू कॉलम्स फोर रोस में पेशेंट नेम एड्रेस पेशेंट नेम पेशेंट नेम एंड उसका एड्रेस पेशेंट नेम एड्रेस लेता हूं उसके बाद एज हॉस्पिटल नंबर इसको भी मैं एक्चुअली डिवाइड कर लेता हूँ पेशेंट नेम स्प्लिट सेल बाय टू एंड इसको भी स्प्लिट सेल बाय टू सो पेशेंट नेम एंड एड्रेस यहाँ पे ये डिटेल्स यहाँ पे लेकर आके ओके okay, यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा यहाँ पे एड्रेस आएगा एंड ये दोनों जो भी है ये मज कर रहा हूँ मैं ओके okay, उसके बाद एज इसको भी मैं स्प्लिट कर देता हूँ डिलीट कॉलम डिलीट नहीं मेरे को स्प्लिट करने का स्प्लिट स्प्लिट सेल्स सेल्स क्योंकि मेरे को एज एक कॉलम में चाहिए और आ, इसका उसका इंफॉर्मेशन जो भी है वो दूसरा कॉलम पे चाहिए सो so, मैं ये सबको स्प्लिट करके यहाँ पे एज हॉस्पिटल नंबर हॉस्पिटल का नंबर दे नेक्स्ट एडमिशन डेट एडमिशन डेट दे नेक्स्ट डिस्चार्ज डेट हम कल डिस्कस किए थे राइट एडमिशन डेट बोले तो क्या है डिस्चार्ज डेट बोले तो क्या है यहाँ पे एज यह आएगा देखिए यहाँ okay. पे हम लिखवाने के टाइम रामागोपाल एड्रेस एड्रेस चेन्नईके okay. okay. रामागोपाल एड्रेस चेन्नई एज फोर्टी फाइव हॉस्पिटल का नंबर बोले तो उनका कुछ हॉस्पिटल का नंबर जो रहते हैं, अगर फोर फाइव सेवन कुछ है तो वो एडमिशन डेट एडमिशन डेट बोले तो आज आज का आज का डेट अगर लिया तो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एडमिशन डेट है एंड डिस्चार्ज डेट डिस्चार्ज डेट कब लिखेगा वो डिस्चार्ज होने के टाइम डिस्चार्ज डेट आएगा सो डिस्चार्ज डेट डिस्चार्ज टाइम देन नेक्स्ट इस इसमें कंसल्टेंट नेम एड्रेस आ गया और यहाँ पे आपको आएगा देखिए ये मई अगर आप ऑब्जर्व किए तो एक ही एक टेबल जैसा लिया था मैंने इसी के वजह से जब ये एड्रेस का मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ये हॉस्पिटल के लिए भी चेंज हो रहा है हमारा राइट सो एक्चुअली हमको यहाँ पे क्या करना ना देखिए ये एक ही टेबल लिया राइट right? ये एक ही टेबल गलत है यहाँ पे आपको टू बाई टू टेबल टू बाई टू टेबल लेना एंड टू बाई टू टेबल टू बाई टू टेबल में पहले पेशेंट नेम यहाँ पे आपका पेशेंट नेम आएगा द नेक्स्ट उसके बाद एड्रेस आएगा यहाँ पे आप एड्रेस का डिटेल्स लिख लीजिए देन यहाँ पे ये इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं देखिए पेस्ट कर दिया पेस्ट करने के बाद आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो आप इसका ये डिटेल्स इंक्रीज कर दीजिए एंड ये डिटेल्स भी इंक्रीज कर लीजिए <coughs> इसी को कॉपी कर लीजिए नो प्रॉब्लम। हम इसका इसका नेक्स्ट पार्ट जो भी है राइट right? ये कल का क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये इंग्लिश क्लास का टाइम हो गया सो so हम रिमेनिंग uh, चीज जो भी है वो कल का क्लास में डिस्कस करेंगे ओके okay? ओके ओके सर, 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 यस मैं ये सेव कर लेता हूँ ये सेव करके आ, कल का क्लास में कंप्लीट होने के बाद कल कल क्लास होने के बाद मैं शेयर कर लेता हूँ आप लोग बट बट आप म्यूट पे रहे तो अच्छा रहेगा रोज okay okay sir yeah you can you can